गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे को क्या मालूम, इस फोन को हम लेके घूमने वाले हैं लंदन। तो रात का लंदन का मौसम तो सब बहुत रोमांटिक सा हो रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ओप्पो फाइन एन टू फ्लिप, फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। अरे मेरे को नहीं पता मुझे इसका नाम। इंडिया का हीरो। कवर स्क्रीन देखो कितना बड़ा यार। और देखते हैं बॉक्स में क्या है। सुपर वुक फास्ट चार्जर। ओहो एक और बॉक्स। ओके ये कवर, ये कुछ पुस्तक है जो हवा खाने के काम आएगा। तो ये है हमारा ओप्पो फाइन एन टू फ्लिप। तो चलो फटाफट से लंदन चलते हैं। चलो चलो चाय पी लो फ्रेंड्स। ओह भाई बहुत ठंड लग रही है लंदन का मौसम। तो रात का लंदन का मौसम तो सब बहुत रोमांटिक सा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो यहाँ पर है द O2 और इसके यहाँ पर साइड में देखो, ये देखो लंदन में कुतुब मीनार। गाइस अभी हम आ चुके हैं लंदन के फेमस लेक स्ट्रीट आर्चीज में। ये आपने देखा होगा कई बार मूवीज में, काफी फेमस है ये एरिया। ये देखो दिखने में ये काफी कूल लग रहा है सच बताओ तो। ये देखो यार ऊपर का व्यू, ये देखो भाई अपना टाइम आएगा। अजी मेरा कद्दू। अभी हम जहाँ पर है ये है लंदन का फेमस प्लेस बकिंघम पैलेस। अंदर दिखाता हूँ आपको, ये देखो चच्चा को। चा, गेट तो खोलो ओ चच्चा। चच्चा खोलो थोड़ा ही। ये आई थिंक मेरे ख्याल से एक राइट प्लेस है जहाँ पर हम इस फोन की डायनेमिक रीच को टेस्ट करेंगे। अल्ट्रा वाइड में देखो भाई क्लिक करते हैं, और एक 1x में और एक 2x में देखो डायनेमिक रेंज क्या बात है जबरदस्त। ये देखो लुक एट द स्काई क्या बात है, डिटेल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो फिलहाल मैं हूँ यूके यानी कि लंदन में, वैक्सीन लंदन पे। यहाँ पे ओप्पो का ग्रैंड लॉन्च होने वाला है, ग्लोबल लॉन्च होने वाला है ओप्पो फाइन एन टू फ्लिप। रुहेश रुक जा रुक जा। अरे मेरे को नहीं पता मैं क्यों आ रहा हूँ। कुछ पूछना था यार। अच्छा ये जो तेरे पास फोन है तो इसमें तुम्हें क्या चीज अच्छी लगी, कोई भी एक चीज? मेरे को ये कवर फ्रेम बहुत जबरदस्त है, बड़ी है, इस बार सब कुछ क्लियर दिख रहा है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जो भी अंदर भी कर सकते हो बाहर भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या अच्छा लगा, कुछ भी एक चीज? इसमें तो मेरा मुझे कवर स्क्रीन अच्छा लगा, मेरी ये बिल्कुल कम है। हीरो दिख इंडिया का हीरो। मैं नहीं मानता। लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको। भाई ने बोला करने का तो करने का। बढ़िया अरुण भाई, ओप्पो फाइन एन टू फ्लिप के बारे में एक चीज। मुझे इसका ना 400,000 जो फ्लिप्स है ना वो सही में पसंद आया। एक तो हिंज बहुत अच्छी है, देयर इज नो स्पेस, बिल्कुल दिखता नहीं है। मैंने मेरे वीडियो में पेपर बीच में डाला है उससे लटकाया हुआ है। सो यू नो वेरी नाइस एंड 400,000 इज लाइक 10 साल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लिप में ड्यूरेबिलिटी जो होती है फ्लिप फोन्स में वो इम्पोर्टेंट होती है एंड आई थिंक दिस वन हैज इट। ओके इरशाद भाई, ओप्पो फाइन एन टू फ्लिप के बारे में कुछ भी एक बात जो आपको अच्छी लगी। मुझे ये बात अच्छी लगी कि कैमरा में कोई खामी नहीं रखी है, बिकॉज यू गेट हैसलब्लैड ब्रांडिंग। और एक और चीज, 4 लाख फोल्ड की, दैट इज क्रेजी। सो मच। ये है गाइस चाइना टाउन लंदन में, छोटा सा देखो पर इसके अंदर पूरी बस्ती बस्ती है, सारा चाइना मार्केट है। ओके तो गाइस अभी हम है लंदन के चाइना टाउन में, ये एक छोटा सा चाइना टाउन है, काफी पॉपुलर है लंदन में ये। चलो अंदर एक्सप्लोर करते हैं एंड लेट्स सी देखते हैं क्या खास है क्या नहीं है। पूरा यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल चाइनीज यहाँ पर आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। वैसे दोस्तों मैं बड़ा सख्त हूँ लेकिन यहाँ पे गिर गया। इस फोन में आपको मारी सिलिकॉन एक्स दे रखा है जो 4K अल्ट्रा नाइट वीडियो मोड को सपोर्ट करता है। और ये देखो हमने रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया, अब हम इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। देखो भाई क्या प्यारी वीडियो क्वालिटी है, तो आपको कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं भाई। भाई साहब ये क्या हो रहा है, जादू। देखो लंदन में भी रिक्शे होते हैं, ये देखो, और पूरा एकदम सजा दिया है खूबसूरत की तरह। इसका मुझे भाई था इंतजार था बेकरार, वो जगह आ गई मैं क्या। अंकल जी नमस्ते, बेचारिया। ये देखो भाई जुम करो टिकटॉकर्स कहीं पे भी मिल जाएंगे, ये देखो। ये है गाइस वो व्यू जिसका हम इंतजार कर रहे थे, इसे हम लंदन ब्रिज या फिर टावर ऑफ ब्रिज भी कहते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो गाइस इस फोन को आप 4 लाख टाइम्स ऐसे वैसे ओपन क्लोज तो भी इसके हिंज को कुछ नहीं होगा। इसका हिंज आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एल्युमिनियम का है। बैक में आपको 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा देखा है विद OIS और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा, और ये हैसलब्लेड कैमरा है। कैमरे में देखो इसमें आपको हैसलब्लेड UI एक्सपीरियंस मिलता है भाई। टावर ऑफ लंदन की फोटो लेते हैं एंड ये देखो भाई डायनेमिक रेंज, स्काई का कलर देखो और नीचे देखो, अब बात है डिटेल्स बहुत अच्छे हैं 50 मेगापिक्सल के हिसाब से। स्काई का कलर देखो कितना प्यारा दिया है, चीजें काफी अच्छे से हाईलाइट की है, हालांकि नीचे थोड़ा सा अंडर एक्सपोज है वो लाइटिंग की वजह से, और कुछ ने काफी अच्छे से फोकस किया है। और जो आपको कलर से नेचुरल कलर ऑफकोर्स आपको हैसलब्लैड कैमरे की वजह से देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसे कैमरे में जाके मोड पे जाते हैं, ये देखो एक्सपेंड मोड आपको मिल जाता है। एक्सपेंड मोड में देखो यहाँ से चीज आप कंट्रोल कर सकते हो,
भाई फोटो तो जबरदस्त लग रही है यार, ये देखो एक्सपेंड मोड में। इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, सेल्फी लेना तो बनता है। इसमें डुअल व्यू भी है और ये देखो यहाँ पर क्लिक करके फोन के रियर कैमरे से सेल्फी ले सकते हो। और ये देखो भाई हाई क्वालिटी सेल्फी, क्या बात है क्वालिटी। देखो डायनेमिक रेंज, देखो स्किन टोन, देखो काफी प्यारा है। यहाँ पे सिम स्लॉट है, ये स्पीकर है, माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड में आपको ये पावर बटन, फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ये वॉल्यूम बटन। ऊपर की साइड में नॉइज कैंसिलेशन और ये स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर्स है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। और फ्लिप फोन के फायदे देखो, इसको आप ऐसे कैमकॉर्डर की तरह यूज कर सकते हो, देखो ऐसे व्लॉग कर सकते हो, हाई व्लॉग। देखो ऐसे आप अगर ऐसे फ्लैक्स करते हो ये देखो, तो यहाँ पे देखो आपको नीचे सारे कैमरा ऑप्शन मिलेंगे और ऐसे आप फोटोज भी ले सकते हो। इसके फ्रंट में जो कवर स्क्रीन है ये 3.26 इंच का है, ये AMOLED है, गोरिल्ला ग्लास 5 है। और जैसे आप इसे ओपन करते हो तो ये 6.8 इंच का स्क्रीन हो जाता है। 1600 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है। इसे क्रीज को देखो एक बार यार ध्यान से, देखो भाई क्रीज ही नहीं दिख रहा इसमें। एंड डिस्प्ले क्वालिटी देखो भाई क्या मस्त है, कितने प्यारे कलर्स आपको मिलते हैं देखने को, पंची कलर्स आपको मिलते हैं। इवन इन आउटडोर लाइटिंग कंडीशन देखो डिस्प्ले कितना ब्राइट है, ये देखो स्मूथ भी है। इसमें MediaTek 9000 प्लस प्रोसेसर दे रखा है। इस प्रोसेसर को MediaTek के इस फ्लिप फोन के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज किया गया है। और ओप्पो ने कहा कि ये मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है फ्लिप फोन में अब तक का। ओ भाई ग्राफिक्स देखो काफी स्मूथ है यार, स्मूथ एक्सट्रीम पे। तो ऐसे कर लेते हैं, ये देखो हमसे पंगा लेंगे। ओ बग गई बग गई बग गई। ओ सर गेम प्ले स्मूथ और मक्खन की तरह चल रहा है, कोई ऐसा लैग फ्रेम ड्रॉप नहीं है। अरे अरे सामने आप जो देख रहे हो ये है बिग बैंग, मोस्ट पॉपुलर वॉच, ये लंदन का, देखा होगा आपने कई फिल्मों में। ओके, तो जैसे आप बिग बैंग के सामने जाते हो तो भाई यहाँ पर आपको ये वाला जो गेम है बहुत खेलने को मिलता है। यहाँ पर जब भी आते हो ध्यान रखना भाई, वरना फिर बोलोगे चूना लगा दिया। और ये है सामने लंदन आए, और यहाँ से आपको अभी हम वहाँ ऊपर जाएंगे, वो ऊपर जाके आपको सारा लंदन दिखाई देगा। एंड गेस व्हाट, एक जन की टिकट है 40 pounds, 4000 rupees। सह लेंगे थोड़ा सा, लेट्स सी व्हाट इट है। ट्रेन में हम आ गए हैं लंदन आई के अंदर, और अंदर से देखो कुछ ऐसा दिखाई देता है। लंदन आई घूमने आया था यार, बेकार है भैया मैं तो टूट गया। ये व्यू 4000 rupees भाई, पैसा पर पार। चलो आप आ ही गए तो एक फोटो ले लेते हैं यहाँ से लंदन आई से। और ये देखो ओहो, अगर वेदर देखोगे थोड़ा सा क्लाउडी है, आपको फोटो से थोड़े से वैसे डल लगेंगे। ओहो भाई डिटेल्स देखो काफी बढ़िया है, बढ़िया फोटो आई है यार। लंदन के बच्चे से बात करते हैं। हाय, तो बोल क्या यार, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसमें 4300 mAh की बैटरी दे रखी है, 44 watt सुपरबुक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फ्लिप फोन में ये अब तक का फास्टेस्ट चार्जिंग है। जितना भी मैंने इस फ्लिप फोन को टेस्ट किया, सच बताओ आई एम इम्प्रेस। कैमरा मस्त है और कैमरे में काफी फीचर्स डाले हैं। छोटा कॉम्पैक्ट फोन है, स्टिल इसमें जो बैटरी है वो काफी अच्छा आपको मिल जाता है। एंड ऑफकोर्स जो परफॉर्मेंस है, MediaTek का Dimensity 9000 प्लस प्रोसेसर, ये भी काफी अच्छा ऑप्टिमाइज है। इन सबके अलावा भाई इसमें जो 4 lakh टाइम्स आप फोन को ऐसे फ्लिप और अनफ्लिप करते हो भाई, फिर भी कुछ नहीं होगा। और दूसरा इसका जो कवर स्क्रीन है काफी बड़ा है। एंड इसका जो क्रीज है ये देखो यार, आपको सामने से अगर फ्रंट से देखोगे आपको क्रीज नजर ही नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें जिसने मुझे सच बताओ काफी इंप्रेस किया है। अगर आपको फ्लिप फोन पसंद है डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। मैंने बताया आपको कैसा लगा ये फोन, वीडियो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।